कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो, नमाज के पास न जाओ और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ, यहां तक कि गुस्ल कर लो। हां, अगर बहालत सफर रस्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रस्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और अल्लाह ही काफी कारसाज है और अल्लाह ही काफी मददगार है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीजा बीवियां हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोजख के अजाब से महफूज रख। जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो, और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अकलो